चलिए बताता हूँ क्या हुआ अगस्त के महीने में, मतलब अगस्त 2022। तो पहले हमारे कॉलेज से बताया गया था हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, पर कुछ दिन बाद, मतलब 6-7 तारीख को बताया गया था, फिर कुछ दिन बाद मतलब और 6 दिन बाद अचानक से ये पूरा ही चेंज हो गया और बताया गया कि हमारा सभी एग्जाम ऑनलाइन से शिफ्ट कर दिया है, ऑफलाइन होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने शायद मांग किया है। तो फिर कुछ स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी और चले गए और उनको चेंज कराने की कोशिश की, फिर वो चेंज तो नहीं हुआ, बट और भी मतलब शायद 6 दिन बाद, अभी एग्जाम के शायद सिर्फ 15 दिन बाकी है, और कॉलेज को कह रहे थे कि कॉलेज में सभी स्टूडेंट गए थे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम नहीं करना सभी को, मतलब ऑफलाइन एग्जाम ही करना है, बट उन्हें ऑफलाइन एग्जाम में मदद चाहिए, तो किसी टीचर ने हेल्प नहीं किया। तो और क्या जो हुआ था कि दूसरे कॉलेज में जाके जो हमें एग्जाम देना पड़ता था बीएड में और डीएड में और किसी भी 10th-12th क्लास के जैसा, तो बीएड में भी हमारा दूसरे कॉलेज से होम सेंटर किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉलेज से गए थे क्योंकि बहुत दूर रहते हैं बीएड जो कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे जैसे कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो बाहर त्रिपुरा सिलीगुड़ी बहुत दूर दूर से भी लोग पढ़ने आते हैं, क्लास तो रेगुलर नहीं होता, फिर भी ऑफलाइन एग्जाम तो करने की कोशिश कर रहे हैं टीचर सभी लोग। तो क्या करना है, तो इस अगस्त महीने में यही है तकलीफ। तो दूसरा मेरा एक SSC और IBPS बैंक का भी एग्जाम है, तो क्या करूं, इसलिए बता रहा था कि अगस्त में क्या झमेला है। झमेला नंबर 1, 2, 3।